जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 नवंबर 2020 से का करंट अफेयर, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन मेंबर बनता है उनके लिए PDF फ्री उपलब्ध कराई जाती है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, वहाँ वहीं पर भी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF उपलब्ध कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है। तो जो तमिलनाडु सरकार है इसने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत छूट दी है, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पर, 60%, 25%, 100%, 50%। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 100% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो तमिलनाडु सरकार है इसने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी है। हुंडई के उपाध्यक्ष BC दत्ता ने कहा है, पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी, इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। और पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक SUV कोना लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि ल्यूक रॉनकी आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉनकी को न्यूजीलैंड टीम का क्रिकेट टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू होगा। और रॉनकी का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2018 में 4 वनडे और 3 T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। वे बाद में न्यूजीलैंड लौट गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2013 से 17 के बीच 4 टेस्ट, 81 एक दिवसीय और 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वह है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर बी, फराज खान। फराज खान आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके स्टार फराज खान का निधन हो गया है। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी, दुल्हन बनू में तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आई थी। फराज खान का बॉलीवुड डेब्यू 1996 में हिंदी फिल्म जो फरेब थी इससे हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो मध्य प्रदेश का वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, पन्ना टाइगर रिजर्व विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का बारवा और मध्य प्रदेश के पचमणी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा में स्थित है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिका चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन या कमला हैरिस या बराक ओबामा। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी, यहां पर सही आंसर है जो बाइडन।
जो बाइडन, यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए अमेरिका इतिहास में जो बाइडन राष्ट्रपति पद के पहले ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं जिन्हें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बराक ओबामा का जो रिकॉर्ड था ओबामा जी का, वह भी इन्होंने तोड़ दिया है। और देखिए क्या है यहाँ पर कि स्थानीय मीडिया के अनुसार जो बाइडेन को अब तक, यहाँ पर अब तक जो है 7,49,349,341 वोट मिले हैं, जो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, तो कितने प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार किया है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, 4 विकल्प हैं, 4, 1, 5 या 2, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है आखिरी में, और जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना होता है, जो भी विस्तृत लिखता है उसका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। और इसका सही आंसर है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का, वह विकल्प नंबर डी यानी कि 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, 2 आपका राइट आंसर होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जेनेवा स्थिति निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्थान के साथ काम करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएं। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, 40, 50, 30, 20। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा, तो 50 आप सॉरी यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि 30 राइट आंसर है। 30 जो शहर हैं इन पर पानी का संकट होगा 2050 तक। हाँ देखिए यहाँ पर हाल ही में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है जिसमें पता चला है कि भारत में स्थित 30 शहरों में 2050 तक पानी के तीव्र जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है और इसके बाद इंदौर है, फिर ठाणे है, मुंबई है, कोलकाता है और दिल्ली का स्थान इस सूची में आता है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। इससे शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के दुष्चक्र से बाहर आने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। किस देश को यह मंजूरी दी है? अमेरिका ने हाल ही में इराक, ईरान, ताइवान, चीन। 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि ताइवान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान आपका राइट आंसर है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी थी। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर दावा करती है और साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था। और देखिए यह पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न दिया था आपके लिए कि पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा, कावेरी, गंगा और झेलम। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया था, क्या बताया था यहाँ पर, बताया था कृष्णा। कृष्णा आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। देखिए यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया है, किन्होंने कमेंट किया है यहाँ पर, कमेंट किया है देखिए अनिल जी ने यहाँ पर कमेंट लिखा है, 26 का जो यानी कि चैलेंज प्रश्न था इसका आंसर है कृष्णा।
देखिए कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट की पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राष्ट्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियां में प्रमुख हैं कोडाली, बैना, कोयला, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसकी मुहाने पर बड़ा डेल्टा है। इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यह मिट्टी का कटाव करने के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। कृष्ण नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है। इस नदी पर दो जलप्रपात हैं। वह इस प्रकार है शिव समुद्रम जलप्रपात। इस जलप्रपात से सर्वाधिक मात्रा में जल विद्युत पैदा की जाती है। और श्री रंगपट्टनम यह भी एक जलप्रपात है। तो यह बहुत ही बढ़िया कमेंट किया था यहाँ पर किन्होंने, अनिल जी ने। अनिल जी ने बहुत ही बढ़िया कमेंट किया था। तो आप भी इसी तरह कमेंट करेंगे तो आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आज का चैलेंज प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, देखिए आज का है आपका चैलेंज प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा चाय, जो चाय है यह किस राज्य में पैदा की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा की जाती है। चार विकल्प दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। तो कमेंट में आंसर विस्तृत लिखें, आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं, जाते जाते वक्त वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और सभी लोग शेयर कर दें एक बार वीडियो को। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तीन प्लान उपलब्ध हैं, तीन में से कोई सा भी एक प्लान लेकर आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। आपको ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहीं पर आपके लिए स्टडी मटेरियल PDF उपलब्ध कराई जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, वहीं पर भी आपके लिए, वहां पर भी टेलीग्राम जो है टेलीग्राम में PDF उपलब्ध कराई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।